अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास की इस्लामिया तक एक रिव्यू करते हैं। हमने इसको एमसीक्यूज़ के मुताबिक करना है। इसमें जो जो पॉइंट एमसीक्यूज़ के मुताबिक के लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगे वही करने हैं, और जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट होंगे वो पूरे पूरे चैप्टर रीड कर लेने हैं। अदरवाइज़ जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होंगे वो पॉइंट को एक बार आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके बाद ज़्यादा टाइम इंग्लिश को दें, इस्लामियात इंग्लिश को दें, साइंस को दें और मैथ को दें। इन तीन चीज़ों पे अपना ज़्यादा टाइम लगाएं। एक बार रीड करने से उर्दू भी हो जाती है, इस्लामियात भी हो जाएगी, ठीक है आप लोगों की। बाकी चीज़ें जो रह जाएंगी वो मैथ, इंग्लिश और साइंस, उन पे आप लोग ज़्यादा टाइम लगाएं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट लाइन चैप्टर्स की जो भी होगी ना, तकदीर के लगवी मायने क्या हैं, ओके, ये याद कर लेना आप लोगों ने। ये पूरा चैप्टर नहीं रीड करना। आखिरत के मायने, बाद में आने वाले चीज़ के, ये रीड कर लेना, बाकी पूरा रीड नहीं करना। ये भी चैप्टर पूरा रीड नहीं करना। अच्छा, ज़कात के मायने, ज़कात के मायने वैसे चीज़ को पाक करने के, आप लोगों ने ये याद कर लेना कि ज़कात और नमाज का जिक्र एक साथ किस सूरत में आया है। सूरतुल बकरा में ज़कात के 8 मसारिफ हैं और ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। ये देखें, 8 मसारिफ हैं और 2 हिजरी को ये फ़र्ज़ हुई, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है, बाकी पूरा रीड नहीं करना। अच्छा, हज के भी मायने याद कर लेने हैं, ऊपर वाली लाइन फर्स्ट, और इसको पूरा रीड नहीं करना। ये वाला हज का तरीका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको पूरे को रीड कर लें। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे होता है हज, और हज 9 को फ़र्ज़ हुआ। आप सल्लम ने ज़िंदगी में 1 हज किया था और 4 उम्रे किए थे, ठीक है। ये वाला भी चैप्टर आप लोग पूरा ना रीड करें, ये भी नहीं। जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों ने पूरे पूरे रीड करने। अब जैसे कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। गज़वे खैबर जो हज़रत अली ने फतह किया था, ये हज़रत अली के बहादुरी का इसमें जिक्र है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से रीड कर लेना है। पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। इसके साथ साथ छोटे, ये देखें एक ही पेज है, इसके साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएं। ये सारे गज़वे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इनके हो सके तो इनके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप लोगों को फिर से रिवाइज ना करनी पड़े, ताकि बुक ना खोलनी पड़े। ये 2 चैप्टर हो गए, ये ना भी रीड करें, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये ना रीड करें। इससे ऊपर वाले 2 चैप्टर हैं वो अच्छे से रीड करें, उनको नोट्स बना लें। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर, ये भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के मुताबिक। ये चैप्टर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज़ के मुताबिक। एमसीक्यूज़ के मुताबिक जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है मैं वो अंडरलाइन करवा रही हूँ आप लोगों को, वो आप लोग अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। ये चैप्टर भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी नहीं है, अच्छा इनमें से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें से आप लोगों ने ये सारा रीड कर लेना। ये कंप्लीट रीड कर लेना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये 1 ही मिनट में सारा रीड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको रीड कर लें। आज ये 8th क्लास की इस्लामियत की बुक है, तो ये ख़त्म हो जाएगी, फिर हम कोई और बुक स्टार्ट करते हैं। ये भी अच्छे से रीड कर लें, ये चैप्टर भी पूरे का पूरा कंप्लीट। क्योंकि इसमें से ये नहीं हो सकता ना कि इसका अंडरलाइन कर दी जाए कि ये वाला पॉइंट रीड कर लें। ये पूरे का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है पेपर में। साबा करा, ये भी सारे रीड कर लें।
साहबा कराम भी आप लोगों ने सारे रीड करने। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है चैप्टर एमसीक्यूज़ के मुताबिक। तो इस्लामियत ये छोटी सी बुक थी, 8 क्लास की ये कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग अपनी स्टडी साथ साथ करते रहें, कंपटीशन बहुत हाई होगा।